नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम में 40% की बढ़ोतरी होने के कारण केदारनाथ हेली सेवा का किराया भी बढ़ सकता है। हेली कंपनियों की ओर से सरकार से किराया बढ़ाने देने की मांग की गई है। भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के 6 पाठ्यक्रमों को विषय आधारित QS रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 100 पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज फॉर डेंटिस्ट्री है, जिससे 18वां रैंक हासिल किया है। वहीं धनबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का रैंक हासिल किया है। मानवाधिकार हनन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि मानवाधिकार एक तरफा नहीं हो सकता। ये सिर्फ आतंकवादियों का मानवाधिकार नहीं होता है, बल्कि मरने वालों का भी मानवाधिकार होता है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से अभी किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। आने वाले एक हफ्ते तक तापमान में और वृद्धि की दर्ज होगी। मौसम विभाग ने तापमान में लगातार हो रहे इजाफे की वजह लंबे समय से बारिश ना होने की वजह से शुष्क मौसम को बताया है। लोकसभा ने सामूहिक संहार के आयुध और उसकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसे कानून को उन्नत बना रहे हैं जो 17 वर्ष पुराना है और ये सुशासन का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का कानून लाने से पहले सरकारों को राज्य के खजानों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन करना चाहिए। योजनाओं को समग्रता से नहीं देखने पर यह जुमला बनकर रह जाएंगी। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रवि भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने बुधवार को कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून अदूरदर्शिता का सटीक उदाहरण है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र को चेतावनी दी है कि देश में जल्द ही एक और किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। उन्होंने सरकार पर पिछले साल किए गए वादों को अब तक ना निभाने का आरोप लगाते हुए किसानों से अगले आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। टिकैत ने कहा कि अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगें की थी, जिसमें MSP पर कानून बनाने की भी मांग थी। रविवार की देर शाम PSC जवानों पर हमले की घटना के बाद 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कई दौर की बैठक की। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया है। योगी ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बनाई जाएगी। तो देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ, क्योंकि JJN न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।